गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओमकार। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओमकार, ओम्स को दूसरे तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम उसको डिस्कस करने आए यहाँ पे। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हिंदी बोले तो ओम के नियम का वैकल्पिक रूप कैसे इसको दूसरे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन रिलेशन को पढ़ लेंगे हम लोग, पढ़े हुए हैं उस रिलेशन को, सिर्फ उस रिलेशन को क्या करना है, एक साथ मर्ज कर लेना है, एस्टैब्लिश करना है। आइए देखते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, कंडक्टर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए। वैसे हमने क्या किया, ए कंडक्टर के ऊपर छोड़ दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इसकी लेंथ कितनी है एल। यहाँ पे अच्छा ये रहेगा हम यहाँ पर लिख देंगे एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी सोर्स के जैसे जुड़ेंगे, किसी सोर्स से जुड़िएगा तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ते हैं तो करंट का क्या होता है, फ्लो होने लगता है, आई करंट पास होने लगता है। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुछ रिलेशन को हम लोग पढ़ ये रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, फिर अंदर इसके अंदर तो क्या होगा कि एक रिलेशन पढ़ा क्या, E इज इक्वल टू B बाय L, तो क्या होगा B इज इक्वल टू E इनटू L, एक रिलेशन ये पढ़ा। ठीक, अगला रिलेशन जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, अगला जो पढ़ा है J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट और एरिया के रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या है, ये है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। याद रखिएगा कि एरिया तो फिक्स है इसका, इस एरिया से कितना करंट पास करेगा, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे, जितना करंट पास करेगा, हाँ, तो अगर ज्यादा नंबर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी जस्ट उल्टा रिलेशन है। करंट डेंसिटी ज्यादा होगा कब, जब एरिया कम होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। वैसे ही जैसे क्या कि किसी मोहल्ले में, हाँ, स्पेस कितना है और आबादी कितनी है, ज्यादा आबादी होगी स्पेस कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा है और आबादी भी ज्यादा है तो डेंसिटी नहीं है, ठीक है, स्पेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम चीज वैसे ही है कि कितना करंट पास करेगा वो डिपेंड करेगा किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसी रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, J इज इक्वल टू I बाय A, I इज इक्वल टू क्या होगा, J इनटू A, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी क्या पढ़े ओम्स लॉ में, B इज इक्वल टू I R, B इज इक्वल टू I R, एक रिलेशन अब ये भी पढ़े बी इक्वल टू आएगा, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या है, एक रिलेशन ये भी पढ़ा गया था, क्या पढ़ा गया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ये भी एक था रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करके क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या, रो इनटू एल बाय ए, ऐसा आया था एक रिलेशन, ऐसा एक रिलेशन आया था रो इनटू एल। रो क्या है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या उसी को नाम पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस किसका है, वो उस कंडक्टर का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उस मटेरियल का क्या है ये रेजिस्टिविटी है। इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम कंसीडर कर लेते हैं और वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, एक रिलेशन ये वाला है और V के बारे में हमने पढ़ा है क्या, V इज इक्वल टू ई टू एल, यहाँ पर पुट करेंगे ई टू एल, वी की जगह पुट करेंगे ई टू एल। आई को वैसे छोड़ दीजिए, अगर R का वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करें, यहाँ से R का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे क्या होगा, ये पलट जाएगा। पलटेगा कैसे, या डायरेक्ट कंप्यूट करेंगे इस पर वैल्यू कंप्यूट करेंगे रो इन टू एल बाय ए, ये किसका वैल्यू है वो R का वैल्यू पुट कर दिया। हाँ, और I बाय ए क्या है, I बाय ए क्या होगा, L और L कैंसिल हो गया, L और L कैंसिल हो गया, आई बाई ए को हम लोग क्या करते हैं, आई बाई ए किसके बराबर है, जे के बराबर है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा जे इंटू रो, मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के का जो वैल्यू आता है वो उसके करंट डेंसिटी के वैल्यू और उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E by J is equal to rho, ये है एक रिलेशन, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद सेकंड केस में हम ये पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हाँ कंडक्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो याद रखिए इसके लिए हम पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, इसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर वैल्यू क्या करेंगे 1 बाय जे पुट करें, 1 बाय ये सिग्मा पुट करें, ऐसे हो जाएगा कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर पुट करेंगे क्या होगा, ये वैल्यू को हम लोग ई बाय जे इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी जगह पुट करेंगे 1 बाय सिग्मा, वन बाय सिग्मा। अब क्या करेंगे, इसको सिग्मा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्या होगा वेक्टर जे अपॉन वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा, तो जे इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इनटू ई। ये है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और यही है मतलब जे का जो रिलेशन है वो सिग्मा और ई के बीच इसलिए है, हाँ क्योंकि कितनी उसकी कंडक्टिविटी होगी, हाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनका प्रोडक्ट उसके कंडक्टिविटी के बराबर होता है। हाँ इसी पर इसी को हम लोग एक तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। कि किसी भी बिंदु पर क्या उसकी कंडक्टिविटी होगी, क्या उसका करंट डेंसिटी है और क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों का रेशियो उसके कंडक्टिविटी के बराबर होता है। समझ गए बात को, छोटा सा ये वीडियो आपके लिए है समझने के लिए, बस कुछ नहीं करना है हमें, इस्टेब्लिश करना फार्मूला, जो फार्मूला पहले से हमें मालूम है, ये वाला फार्मूला पहले से मालूम था, इसको पढ़ाया गया, दूसरे लेक्चर में बताया गया और ये ओम्स लॉ से जाया गया और ओम्स लॉ से ही लेफ्ट और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर किया, ठीक है, और उन सब का एक जगह मर्ज कर दिया गया था हमारे पास इस तरह का रिलेशन इस तरह। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर क्वांटिटी का रेशियो एक दूसरे का होता है, यहाँ पर हमें इस बात का भी, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हैव ए फंटास्टिक डे।